महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर भारतीय किसान यूनियन से नरेश व राकेश टिकैत की हुई छुट्टी। राजेश सिंह चौहान नए अध्यक्ष। लखनऊ में कल योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों को सुशासन का पाठ पढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रविवार को दूसरे दिन के एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई पूरी, सोमवार को भी होगा सर्वे। उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम जारी, बांदा व झांसी के बाद प्रयागराज में भी पारा जमकर बढ़ा। मेरठ में जनसंख्या कानून पर राष्ट्रीय अधिवेशन, केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह बोले पूर्वजों ने की गलती, सजा हम भुगत रहे। यूपी के इन गांव में बहु बेटियां बन रही पथ प्रदर्शक, अनूठी पहल से चर्चा में आई वीडियो रचना गुप्ता। लखनऊ में राजनाथ सिंह बोले महंगाई तो चुनौती के साथ संकट भी, उबरने में सहयोग करे देश के लोग। मंत्री के पांव से कर्मी ने उतारे शू कवर, चर्चा में आया वायरल वीडियो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा समय से न्याय न मिले तो विकास के मायने नहीं। कानपुर का यह अनोखा बाजार जहां तौल कर बिकते हैं कपड़े, प्रति किलो के भाव से पैंट कमीज से लेकर साड़ियां तक मिलती। फिनलैंड का बड़ा ऐलान, नाटो की सदस्यता के लिए करेगा आवेदन, रूस पहले ही कर चुका है आगाह। पाकिस्तान में दो सिख कारोबारियों की दिन दहाड़े हत्या, अफगानिस्तान सीमा से सटे अशांत प्रांत में हुई वारदात। देव सहायम पिल्लई को पोप ने घोषित किया संत, ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। सरकार बदलने से भी नहीं सुधरे देश के हालात, अब खाने का तेल हुआ लोगों की पहुंच से बाहर। उत्तर कोरिया में कोरोना के 8 लाख से अधिक मामले, किम जोंग उन ने दिए सख्त कदम उठाने के निर्देश। सुपरमार्केट की घटना पर राष्ट्रपति बाइडेन बोले डोमेस्टिक टेररिज्म को खत्म करने को सभी है खड़े। मैदान के दुश्मन साइमंड्स की मौत पर हरभजन की प्रतिक्रिया, कैसे थे क्रिकेट में उनके रिश्ते और किसने कराई थी सुलह। शोएब अख्तर बोले मुझे खुशी होगी अगर ये भारतीय गेंदबाज मेरी तेज रफ्तार गेंद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दे। सीएसके के खिलाफ शीर्ष दो जगहों में पक्की करने उतरेगा गुजरात टाइटंस। हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी के बीच मुकाबला, जानिए कब और कैसे उठाएं मजा।